अगेन यहाँ पे आपको मैं ठीक कर दूंगा तो आपकी अम्मा भी आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी बेगम भी आपसे कनेक्टेड हैं, तो आपको उन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा या उनके ऊपर भी काम करवाना पड़ेगा, मुआशरा बनाना है। तो आप अगर अगर आप अपने 500 फ्रेंड बना लिए होते अब तक आपने, जो कि आपको बहुत बचपन में बन जाना चाहिए था, तो आपके अंदर क़ुव्वत होती, इरादी क़ुव्वत इरादी इतनी स्ट्रांग होती कि आपको ये चैलेंज नहीं आता जो आपको ज़िंदगी में आ रहा है। और क़ुव्वत इरादी कैसे बनाई जाती है? बाय लिविंग इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज़ फ्लरिशिंग। मुझे नहीं पता, मुझे मुझे टैलेंट को कैसे ग्रूम करते हैं, एक शायर है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, शायर है, अगर वो शायरों के दरमियान में नहीं रहेगा तो वो शायर नहीं बनेगा, वो ख़राब शायर हो जाएगा, वो कोई प्लम्बर बन जाएगा, कोई टेक्सटाइल इंजीनियर बन जाएगा, कोई कुछ और बन जाएगा, लेकिन वो शायर नहीं बन सकता। क्यों? उसको वो माहौल नहीं मिल रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बचपन में आपने कहा ना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फ्लरिश करना है। तो अगर एक पौधा है, मिसाल के तौर पे आम का पौधा है, और उस आम के पौधे को एक्स वाई जेड चीज़ें चाहिए फ्लरिश करने के लिए, फ्लरिश इतना सा है वो बीज, बीज से यहाँ तक आने के लिए, तनादार दरख्त बनने के लिए, ये तनादार दरख्त है। तो ये जो उसकी जो सबसे बड़ी खाद इंसान की है वो माहौल है। तो क्योंकि हमारे मुल्क में माहौल गड़बड़ हो गया है, तो हमारे अच्छे लोग भी गड़बड़ हो जाते हैं, और हमारे यहाँ पनपने की जगह नहीं है। जिसका भी बाजा बज रहा है वो प्लीज़ बंद कर दें। अगर आप स्ट्रांग हो गए, आप तनेदार दरख्त को कौन हिला सकता है? लेकिन कमज़ोर जो है वो हर वक्त स्विंग करता रहे। तो तनेदार दरख्त बनने के लिए ज़रूरी है कि माँ बाप आइडेंटिफाई करें बच्चों में कि ये बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, और उसके चारों तरफ वो लोग भर दें बस, और कुछ नहीं करना है। फिर देखें आप वो कैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। एक दरख्त है, उसके चारों तरफ रेजिस्टेंस है, तो कैसे ऊपर कहाँ जाएगा वो, या पत्थर के अंदर से निकल रहा है वो, यूँ होगा फिर यूँ होगा, तो उस बेचारे का तना जो है वो भी टेढ़ा यूँ होगा, बॉन्साई कुछ और ही बन जाएगा। हाँ, बॉन्साई बन जाएगा, हम उसको काट देते ना बार बार बॉन्साई के साथ। बॉन्साई क्या होता है? बॉन्साई एक बड़ा दरख्त होता है जो किस साइज़ का होता है। हम क्या करते हैं, ज़रा सा निकलता है उसको ऊपर से काट देते, फिर ज़रा सा निकलता है ऊपर से काट देते, ज़रा हम ये हम हैं ही, वो पूरी कौम बॉन्साई है, बौने बन गए हैं। क्या एग्जाम्पल है, ज़बरदस्त, थैंक यू। तो सब ऊपर से कटे हुए, कटने नहीं देना, जाके ऊपर जाए वो। और कैसे जाएगा? जब माहौल ऐसा मिलेगा। माहौल कहाँ से लाए हम? फिज़िकल माहौल तो नहीं है हमारे पास, इम्पॉसिबल लगता है मुझे कि फ़ौरन आ जाए, लेकिन हम जो बदल सकते हैं वो उसका वर्चुअल माहौल बदल सकते हैं। ये नेमत है हमारे पास, तुम्हारे पास ख़ास तौर पे, तुम बदल सकते हो। और जो लोग बदल सकते हो और वो नहीं बदलते, तो उनका ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगेन इसकी एग्जांपल देता हूँ, तुम मेरे लिए मिसाल के तौर पे, तुम समझते हो कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आ जाओ, मैं गुलाब जामुन ही रिजेक्ट कर दूँ तुम्हारी, तो डबल दुख होगा। खाली मिठाई नहीं लाए, बल्कि वही गुलाब जामुन लाए जो मुझे पसंद है। फिर मैं तुमको फेसबुक का काम दे रहा हूँ, और फेसबुक का काम ही तुम रिजेक्ट कर दो, तो क्या चीज़ इंटरप्ट कर रही है? बाकी चीज़ें जो तुम्हारे जहन में चल रही मशीनें, वो तुम्हें तुम्हारी पसंद से तुम्हें आगे नहीं जाने दे रही। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ये चीज़ पसंद है, लेकिन फिर भी तुमको वो रेजिस्ट, बाकी चीज़ें तुम्हें रोक रही हैं आगे जाने से। मिसाल के तौर पे फिज़िकल बॉडी भी हो सकती है जो आपको आगे जाने से रोक रही हो, मेंटल बॉडी के अलावा फिज़िकल बॉडी भी हमारी हकीकत है, वो भी हो सकती है आगे जाने से रोक रही। ठीक है, कल का टॉपिक मुझे मालूम नहीं है, किसी के पास कोई हो तो बता दे। कल हमारे साथ एलन होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि एलन से कहूँ वो पढ़ा दें सुबह, 1 घंटा लेक्चर दे दें। उसके अलावा आप एक ईमेल कर दीजिएगा, 5 बजे एलन के साथ 1 घंटा गुजारेंगे ऑफिस में, 5 बजे शाम को, और सबको बोल देगा कि आ जाएं।
इन द मीन टाइम सुबह 9 बजे वाली क्लास में मैं कहूँगा आयलन को कि वो आ जाएंगे, वो बात कर लेंगे। इज वेरी वाइज मैन, आई हैव नेवर मेट एनीबडी लाइक हिम। फ्लरिश करने की तो बात की, पर आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये है? मैंने उनसे पूछा था श्री यहाँ पर से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टैलेंट को। अगर दो चीज़ें आइडेंटिफाई करा सकती हैं, या तो आपको उसमें बहुत मज़ा आता हो या आपको उस पर बहुत गुस्सा आता हो। एंड दैट मेड सो मच सेंस टू मी। आपको पता नहीं करेगी नहीं करेगी, लेकिन जब आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आता है तो आप उसके ऑपोजिट हैं, वही उस पर काम करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपको कचरा देके गुस्सा आता है तो कचरे के ऊपर बिजनेस पे चढ़ जाएं, बिकॉज आपको उससे रिएक्शन आ रहा है ना, आपके अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है, आप उस पर काम करें, उस गुस्से को यूज़ कर लें। कल मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था शायद कि ये किसी ने लिखा था, नहीं फ्लोरेंस ने लिखा था कि मैं एक लॉयर को जानता हूँ जो चाइल्ड अब्यूज़ को हेट करती है, और उसकी वो हेट्रेड उसको बेहतरीन लॉयर बना चुकी है उस चाइल्ड अब्यूज़ को फाइट करने के लिए, क्योंकि वो तो हेट करती है, इतना उसके अंदर पैशन है उसके ख़िलाफ़ कि वो उसने कहा यही करूँगी मैं तो। और वो क्योंकि उसको पैशनेटली गुस्सा है तो उसके पीछे पड़ जाती है। तो गुस्सा या मोहब्बत दोनों ही पैशन की ही बहन भाई हैं। गुस्से में वो जो बीवी होती है 10 साल 15 साल की, जिसे मोहब्बत होती है उसी को तलाक देते हैं भाई। लेकिन गुस्से में अकल काम नहीं करती, मोहब्बत में करती। नहीं आपका ख्याल है, दोनों में नहीं करती, दोनों में नहीं करती। एवरी थिंग इज ओके, क्या है वो इन तो लव एंड वॉर, दोनों में अकल काम नहीं करती। अकल हर उस मोड में काम नहीं करती जब आप रिएक्टिव हो रहे हो। जब आपको शुरू में बताया, जो शुरू में आपको बात बता रहा था कि ये केमिकल्स हैं, मैं आपको दवाई खिला के टन कर सकता हूँ अभी, तो आपका क्या कंट्रोल है आपके ऊपर? कंट्रोल चला गया। कंट्रोल किस किस चीज़ के पास से कंट्रोल चला गया? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। माइंड नहीं, आपकी रूह से कंट्रोल चला गया। आपका जो सेल्फ है, सेल्फ जिसको जब्त करना है, जिससे जिहाद करना है, उसके पास से आपका कंट्रोल चला गया। अब आपके वो कंट्रोल से बाहर है क्योंकि जिस्म ने उस रूह को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आपने शराब पी ली, आपने दवाई खा ली, आपने ड्रग ले ली। अब जिस्म के अंदर है रूह, तो जब जिस्म का कंट्रोल चला गया तो रूह का कंट्रोल भी चला गया। और हर वक्त आपको अपनी रूह के कंट्रोल में रहना है, सेंस रहना है, वो सेंस चला जाएगा। तो मतलब अकल वाली पोजीशन में रहना है। अकल नहीं है वो, आप अकल को मिक्स कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अकल इज़ डिफरेंट देन जो सेल्फ है आपकी। जो सेल्फ है वो ये उसकी खुद ही बढ़ानी है, अकल की खुद ही नहीं बढ़ानी। अकल एक टूल है टूवर्ड्स सेल्फ, अकल नहीं है ये। अकल नहीं बढ़ेगी किताब पढ़ने से। अगर तुम अकल बढ़ाने के लिए किताब पढ़ रहे हो तो यही तो प्रॉब्लम है। उस किताब में से सिर्फ 3 लाइनें, पूरी 400 पेज की किताब में 3 लाइनें होती हैं आपके काम की, लेकिन हर इंसान की 3 लाइनें अलग हैं। आपको किसी उस 3 लाइन में मज़ा आएगा। आप फिल्म है, हर आदमी फिल्म देख रहा है, उस फिल्म का एक सीन सबको अलग अलग पसंद आ रहा हो, बेस्ट सीन कुछ और। मेक सेंस ये नहीं, अकल नहीं है ये। मैं भी अकल समझता था, अकल का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये आपकी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होती है? तो हवास अकल से आते, किससे आते? हवास खो बैठना। हाँ बेहतरीन, एक्चुअली दैट्स द राइट वर्ड। सो हवास सेंसेस भी नहीं है, पैनिक का अगेंस्ट नहीं, अवेयरनेस, मैं हूँ यहाँ। हाँ रूह की बहन भाई है कॉन्शियसनेस, नॉलेज के साथ मिल के बनता है। नॉलेज होगी तो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जब आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ जाएगा तो दोबारा वो क्या था उसका नाम, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये कल देख लें आप।
माज़लोस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। खुदा यहाँ है, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको खुदा मिल जाएगा। ये माज़लो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। खुदा देखना है, चढ़ते चले जाओ, आखिर में खुदा मिल जाएगा। इनलाइटनमेंट, बिकमिंग वन विद गॉड, अंडरस्टैंडिंग। मेजॉरिटी कौम हमारी यहाँ फंसी है। रोटी कपड़ा मकान की वजह से उसको दिमाग के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो रोटी कपड़ा मकान के बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर सके। अलेक्सा, हाउ ओल्ड इज बिल गेट्स? अलेक्सा, वॉल्यूम 7। अलेक्सा, हाउ ओल्ड इज बराक ओबामा? Barack Obama is 53 years old. तो हम इसके पीछे भाग रहे हैं जो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज एवोल्यूशन में ऊपर आने में मदद कर रही है, लेकिन हम अपनी सारी ज़िंदगी 16 साल 20 साल उस जनरल नॉलेज को ऊपर मांझने में लगा रहे हैं। रूह को समझने में, ये जो हम बातें कर रहे हैं इसको समझने में नहीं लगाते। अलेक्सा, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 67? 67 square root is 8.19. तो आज अगर 2015 में 15 हो गई, 15 है, वाओ 15 साल गुजर गए सेंचुरी के, वाओ। दैट डिवाइस ऑन द टॉप थ्री वर्ड्स समझती थी 25 साल पहले, 20 साल पहले, नहीं 90 में, 25 साल हो गए। 25 साल लेटर अलेक्सा बाजी आ गई जिनके साथ चीखना भी नहीं पड़ता। It's 2015. थैंक यू अलेक्सा, थैंक यू। डोंट मेंशन इट। सो अगले 5 साल में क्या होगा, उससे अगले 5 साल में क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें पुश करके एक कहते हैं कि कलेक्टिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस राइज कर रहा है दुनिया में। Consciousness, understanding things. जब आप question नहीं करेंगे, मेरे पास एक बड़े अच्छे teacher का SMS आया है, मैंने रात को जो सवाल किए थे, stupid सवाल किए थे, वो ना किया करें। अक्सर लोग ही बोलते हैं ना, सवाल ना किया करें, लड़ाई होती है। लड़ लो, क्या problem है लड़ने में, word से लड़ रहे हो, जिसम से क्यों react क्यों कर रहे हो? अगर सवाल ही नहीं करा तो फिर इंसान कहाँ रहा? मैंने उनको जवाब लिख के यही भेजा, मैंने कहा अगर सवाल ही नहीं कर सकते कि हम बागत नहीं है तो फिर इंसान कहाँ रहे हम? तो अगर सवाल नहीं करेंगे तो हम एवोल्यूशन में कैसे ऊपर जाएंगे? सवाल करें, इम्पोर्टेंट है, डोंगा खाली करें। नेक्स्ट सवाल, कोई सवाल है? आपने सवाल किया था ब्लॉगिंग वीडियो क्यों नहीं बना दें, किस चीज़ की? ये सारी आपकी नॉलेज की बना तो रहा हूँ, बट वो एनर्जी नहीं हो आती जब आप अकेले होते हैं। तो इसलिए आपको बिठाया है कि आप वो एनर्जी प्रोवाइड करें तो मैं अपना सामान दस भाग खाली करूँ। अगर आप इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे तो मेरी एनर्जी और मेरे अंदर एक्चुअल में जो गूगल करना है मुझे अंदर, वो है ही नहीं, वो वही आएगा जब मैं बोलूँगा और आप सुन रहे होंगे और आप, मैं आपको बोल रहा हूँ आप ले रहे हैं, तो आप ले नहीं रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से निकलना बंद हो जाएगा। तो मुझे ऐसे कैसे स्टूडेंट चाहिए? मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो मैं जो दे रहा हूँ वो निकलता है, लेता चले, लेता चले, खाली हो जाए, टैंक खाली कर लें, जाके मैं टैंक का अगला भर लूँ। तो मुझे अच्छे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट चाहिए जिनके साथ बात करके मुझे भी इंजॉयमेंट आए, जिनको मेरी बात समझ में आए। मुझे ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए जिसको मेरी बात समझ में ना आ रहा हो, ऐसे स्टूडेंट के साथ टीचर भी ख़राब हो जाते हैं। टीचर क्या करे बेचारा, हाँ वो फिर जो किताब में लिखा है वो पढ़ के सुना सकता है, खोपड़ी वाला कोई काम नहीं कर सकता जी। सर, मैं बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ,
जन्नम में डालो, इन्वेस्टर नहीं चाहिए तुम्हें, जस्ट स्टार्ट, दैट्स माय आंसर। तुम भी लेट आए थे, इसका मतलब यह है कि तुम चिड़िया का बिजनेस शुरू कर रहे हो, आज एक चिड़िया बेच सकते हो, वो चिड़िया बेचो बस, उसमें एक्सेलेंस ले आओ, उस चिड़िया का जो बेचने का एक्सपीरियंस है उसको रिकॉर्ड कर लो, वीडियो बना लो, फिल्म बना लो, बेचने वाले को भी, खरीदने वाले को भी, पूरी कहानी बना दो, डॉक्यूमेंट्री बना दो एक चिड़िया बेचने में। आज के टूल्स ये हैं, आज के टूल्स ये पैसे नहीं है, आज का टूल ये है कि तुमने एक चिड़िया बेची है, वो एक चिड़िया बेचने के ऊपर तुम इतनी बड़ी कहानी बना दो कि CNN ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे, ऐसी कहानी बना। और तुम्हारे यूनिवर्सिटी में नहीं है, तुम्हारी इसलिए मीडिया साइंस होगा, बराबर यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंस होगा, कहीं भी जो तीन बच्चे ले लो, क्या नाम है, चिड़िया बेचने का कारोबार शुरू करो, आप चाहता हूँ आप डॉक्यूमेंट करें, उनका भी, उनको भी ये प्रॉब्लम है, उनको कहानी नहीं मिलती, तुमको ये प्रॉब्लम है, तुम्हें शूट करना है, उनको कहानी दे दो कि जी मैं एक चिड़िया बेचूँगा, पैसे चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, वो एक फिल्म या वो एक चिड़िया तुम्हें अगले पाँच चिड़िया बेचने में मदद करेगी, फिर फिल्म बना लो, फिर वो पांच चिड़िया बेचने के अंदर जो जो फिल्म थी वो अगली 50 चिड़िया बेचने में मदद करेगी। पैसे कहाँ चाहिए यार, क्या चाहिए था, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, एंड इट माइट वर्क एंड इट माइट फेल, विच विल गिव यू द एक्सपीरियंस टू डू द नेक्स्ट बिजनेस। तुम तो ऐसे ही तीन बिजनेस करते हो, तो तुमको उस दिन भी बोला था एक कर लो, एक पे फोकस कर लो, और एक को ऐसा करो कि तुम चिड़ी वाले मशहूर हो जाओ, तुमको बोला भी था कि तुम चिड़ी वाले मशहूर हो जाओ, तो पूरा शहर को एक ही चिड़ी वाले का पता हो, वो तुम हो। DIDX समझ नहीं आएगा ना यहाँ लोगों को, इसलिए नहीं समझाता मैं, कंज्यूमर नहीं है वो, चिड़िया वाला कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अगर मैंने वॉइप वाला मशहूर कर दिया तो मैं जेल में चला जाऊँगा, क्योंकि 99% को समझ नहीं आएगी कि क्या होता है ये, आज भी नहीं समझ में आएगी, इसलिए नहीं समझाता मैं कि मैं बहुत, मैंने अभी थोड़े से रशियन के और चाइनीज़ के लफ्ज़ बोले थे, समझ आई किसी को, वही ज़बान है DIDX को समझाने की, और कोई तरीका नहीं है, मुझे तो नहीं आता, समझा दो मुझे। अब थोड़ा 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 लोगों को स्काइप का पता है, अब थोड़ा थोड़ा लोगों को व्हाट्सएप का पता है, अब मैं समझाने को अब थोड़ा सा खुल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ, हाँ भाई आपने व्हाट्सएप चलाया है, उसकी भी जो टेक्नोलॉजी है वो हमने ईजाद की थी, अब वो यूँ कहते हैं अच्छा तो हो ही सकता, पाकिस्तान में ऐसे कैसे बन सकते, तो ये जवाब आता है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते लोग, क्योंकि लोगों के, लोगों की समझ नहीं, अब मैं लोगों को मैं तो नहीं बदल सकता ना ओवरऑल, इसलिए नहीं बताता, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है ना वो, चिड़िया वाले की बात हो रही है, वो चिड़िया बेचता है, चिड़िया बेचने में मैं क्या क्या रॉकेट साइंस है, चिड़िया चिड़िया को खरीदता, चिड़िया बेचता, चिड़िया वाला मशहूर है बस। नहीं फुल, मैंने तो उसको कहा तुम, तुम्हारी लेवल में तुम्हारे पास रिजर्व पैसे नहीं, 1 करोड़ रुपए फालतू नहीं पड़े हुए जलाने के लिए, जब तुम उस स्टेज पे पहुंच जाओ जला दो भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है, तुम उसके साथ जो मर्जी करो, मैंने पैसा कमा के मैं उसको आग लगाऊं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, दैट्स माय क्वेश्चन, सीरियसली क्वेश्चन इज के अगर एलन मस्क कहता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी गाड़ी बनाने में खर्च कर दी, रॉकेट बनाने में खर्च कर दी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, दो दफ़ा ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हुआ वो आदमी, अब वो इस वक्त स्टीव जॉब बन रहा है, नेक्स्ट मशहूर है कि जी वो नेक्स्ट स्टीव जॉब्स है, बैंकक्रप्ट हर आदमी, मैं पैशन के लिए काम करता हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं काम करता, मैं उतना ही गेम खेलता हूँ जितना मैं खेल सकता हूँ, अगर मैं पूरा गेम खेल सकता होता ना तो अभी 40 बिजनेस चलते हुए नज़र आ रहे होते तुमको, मैं उतना ही गेम खेलता हूँ जितना मेरी चादर है उतना ही खेल रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं खेल सकता, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा करता जा रहा हूँ कि मैं फिर उसको, वो शायद टाइम हो, शायद आए, शायद फेल हो जाए, आई डोंट नो, एक्सट्रीम सक्सेस आपको पता है ना, वो क्यों नहीं, आप दूसरों के लिए खेल रहे हैं, ज्यादातर लोग दूसरों के लिए खेल रहे हैं, करे अभी ना करे, हर चीज का राइट टाइम है भाई, चार शादी नहीं करे, जरूर करे, इकट्ठी चार करेगा, एक ही दिन साथ कर लेगा,
तो चारों फेल हो जाएंगे। नहीं, वो फार्मूला आपने क्या अप्लाई किया कि उसकी चादर का साइज कैसा अपना मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसके सवाल का वजह ये नहीं है, मेरे ज़ाती ख्याल है उसके सवाल की वजह क्योंकि टीचर ने उसको यही बताया, ये रियलिटी है। उसके जो चार उस्ताद हैं उसको यही बताया हुआ है, पैसा होता है तो काम होता है भाई, बगैर पैसों का काम नहीं होता। हमारे पूरी इंडस्ट्री में, पूरे यूनिवर्सिटी में मुझे बूटस्ट्रैपिंग को पढ़ाते हैं, जब बूटस्ट्रैपिंग पढ़ाते ही नहीं तो आएगा कैसे? 95% बिजनेसेस बूटस्ट्रैपिंग पे बनते हैं और आपको बूटस्ट्रैपिंग ही नहीं पढ़ाते, आपको पढ़ाई गलत चीज जा रही है। बूटस्ट्रैप करें बिज़नेस को हमेशा, इस मुल्क के लोगों को बूटस्ट्रैप करना सीखना है। पैसा का नहीं, पैसा इज़ द लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। देखो बिजनेस करने आया है, गूगल कर लेना क्या होता है। अलेक्सा डिफाइन बूटस्ट्रैपिंग। अलेक्सा विकिपीडिया बूटस्ट्रैपिंग। Strapping, also known as bundling, chisping and banding, is the process of applying a strap to an item to combine, hold, reinforce, or fasten it. Okay, Google. Bootstrapping. Bol phir bhi nahi. बूटस्ट्रैपिंग की वीडियो बनी हुई है ना, भेज देना। अगला सवाल या बंद करें? मेरा एक वो होता है कि जब भी कोई इस तरह की बात करते हैं तो अगर आपकी जेब में फॉर एग्जांपल 500 रुपए हैं और आप इन्वेस्टर की बात करो ना, अगर आपकी जेब में 500 रुपए हैं या 50 रुपए हैं, आप 50 रुपए अपने बिजनेस पर उड़ा सकते हैं, आपके अंदर वो दिल तप्पड़ है उड़ाने की, अगर आप उड़ा सकते हैं ना तो फिर आप इस बात को सोचे कि मैं दूसरे का पैसा उड़ा लूँ। वजह नहीं है ना, वजह ये है कि टीचर यही बता रहा है, टीचर ने यही बताया है कि अपने पैसे से नहीं खेलना है, दूसरे पैसे ज़रूर खेलना है दूसरे के पैसे से, लेकिन चौथे बिजनेस में, पहले बिजनेस में नहीं, पांचवे बिजनेस में, दसवें बिजनेस में। उसको आपका कैरेक्टर नज़र आएगा कि भाई ये काम कर चुका है, यहाँ सक्सेसफुल हो चुका, तुम्हें CEO हायर करना है, ये चार कंपनी में CEO रह के आ चुका है, चारों कंपनी का आपने ग्राफ देखा कि यूँ चला गया, तो आप उसको हायर करेंगे। अभी वो आया है यूनिवर्सिटी से निकल के, मुझे आप CEO रख ले, मैं आप देखें क्या करूँगा आपके लिए, वो डबोएगा और कुछ नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस क्या है, तजुर्बा क्या है? तो तजुर्बे के बगैर आ जाते, बस आप मुझे तो 50,000 रुपये दें, 1,00,000 रुपये दें, देखें क्या होता है। अबे तू क्या कर लेगा भाई, जादू की छड़ी तेरे पास, किया क्या है तूने? वो इम्पॉर्टेंट है कि वॉट हैव यू डन, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ड। अक्सर लोग तो फेल होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप खड़े में फिर भी, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो इफ इन योर केस द रीज़न आई कॉल यू इज़ बिकॉज आई टॉक विद यू एन आवर एंड आई फेल्ट दैट यू हैव ह्यूज कैपेसिटी टू लर्न, एंड आई सॉ कि तुमने 400 फ्रेंड भी उठा लिए एक दो हफ्ते में, 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुए तुम पहुंच गए। वो बेचारा 6 साल 8 साल से मेरे, कितने साल से मेरे साथ, 10 साल तो हो गए, 8 साल तो हो ही गए, उसे 200 फ्रेंड बनाए, वो नहीं मेहनत कर पा रहा, तुम मेहनत कर रहे हो ना, नज़र आ रहा है, एक्शन बोल रहे हैं। हमने पहले बात की थी कि भी एक चीज़ ख़रीदने जाना है, एक आदमी 4 दुकान पर जा रहा है, एक आदमी 50 दुकान पर जा रहा है, तो 50 वाले को रखूँगा ना मैं, मेहनत तो कर रहा है वो, उसको वो सीखने को भी तैयार है, मेहनत भी कर रहा है, तो उस पर काम करेगा ना आदमी, जो आदमी काम ही नहीं कर रहा उस पर क्या काम करेगा, उस पर कहेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, आप जाएं नॉर्मल वाली जगह पे जहाँ आपको पसंद का काम, मेरी पसंद की आप नहीं है। दे पुट समथिंग अबाउट बूटस्ट्रैपिंग अनाम इन चैनक, लाइक अ बिग एटलीस्ट दिस साइज समथिंग, व्हाट इज़ बूटस्ट्रैपिंग, 1, 2, 3 something about bootstrapping, because people have no idea what's bootstrapping. नहीं ज़रूरत नहीं है, अचानक में ज़रूरत नहीं है, बूटस्ट्रैपिंग की उर्दू की वीडियो बनी हुई है, और कुछ देखना चाहे देख ले।
क्वेश्चन डूंगा भरा हुआ क्वेश्चन बाद जी भैया जी भैया आ सकते क्वेश्चन वैसे और ज़्यादा इससे बेनिफिट इस तरह से होगा कि हम कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे ना वो उसने हिम्मत करी उसका तो टैंकर ऐसा ही है बहुत मेहनत चाहिए इस बच्चे को इज अ ग्रेट गाय तो मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम इज फादर आज फिजिकली हार्ड वर्किंग इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग अगर मुझे कोई चीज़ में फंस जाऊँगा तो मैं उसी को फ़ोन करूँ बैठा जाए मेरा काम करते यार वो पता नहीं कहाँ से करता है क्या करता है जादू है उसके पास जैसे वो जादू है ना तो वो रिमार्केबल है उसका मैं इसीलिए रिमार्क दे रहा हूँ मतलब कोई मेरा काम अगर संडे को हो गया तो फात को मैं फ़ोन करूँगा इस वाले तो वो तो भूल जाओ फ़ोन ही नहीं उठाएगा और वो सॉरी हाँ और वो जो है वो करके भी ला देगा चाहे उसको घर में कोई पता नहीं क्या इमरजेंसी लगी हो कोई मतलब नहीं मेरा काम हो जाएगा तो ये तो इतनी बड़ी क्वालिटी है कि कोई हद नहीं है लेकिन उसके साथ के जो मज़ीद लवाजमात हैं थोड़े बहुत वो परेशान कौन है एक्सप्लोसिव है ठीक है और हर इंसान के साथ वो एक्सप्लोसिव लगे हुए मुझ में भी होंगे दो तीन एक्सप्लोसिव बम हम सब में हैं हम यहाँ पे टच करा नहीं हो बट बम फट जाते कुछ के हम एक्सप्लोसिव पॉइंट कंट्रोल कर लेते हैं कुछ के एक्सप्लोसिव पॉइंट्स हम बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ के नहीं कर पाते जहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते वहाँ पे मियाँ बीवी को तलाक दे देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छोड़ देता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय को छोड़ देता है वो बर्दाश्त की ज़िम्मे में आता शुरू में मैंने बताया एक्सेप्टेंस ज़रूरी है बर्दाश्त नहीं करना है अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो पेन होगा इवेंट क्योंकि आप अंदर छुपा के रख रहे हैं कुछ झूठ बोल रहे हैं अपने आप से और एक्सेप्ट कर लेंगे भाई ये ऐसा ही है आपको अच्छा लगे ले लें आपको अच्छा नहीं लगा अस्सलाम वालेकुम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर फाद तुम अगर एक्सेप्ट कर लो कि मैं ख़राब हूँ एक चीज़ मेरे अंदर ख़राब है मैं ऐसा हूँ हर वक्त ऐसा रहता हूँ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमको भाई मुझे आपकी ऐसी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती आप मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता तो दोनों ने लड़ाई नहीं करी क्लैश नहीं हुआ जबकि आपने कहा हाँ हाँ नहीं आप तो मैं कर लूँगा इतनी तकलीफ हुई मुझको बर्दाश्त कचरा अंदर जमा कचरा जमा आखिर में क्या होगा वो फट जाएगा तो एक्सेप्टिंग द रियलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट करना है फहद भाई ने कि अम्मी ऐसी हैं भाई बेगम ऐसी हैं अब मैं क्या करूँ इस गिवन में क्या करूँ बिजनेस में भी यही करना है एक्सेप्ट करना है कि मेरे पास 1,000 रुपये हैं यही मेरी रियलिटी है मुझे ये काम कैसे करना है 1,000 रुपये में मैं क्या कर सकता हूँ मैं वो करूँ मैं क्या नहीं कर सकता उसकी मैं फ़िक्र में अभी हम इस चक्कर में बैठे हैं 1,00,000 रुपये आ जाएँ तो कुछ करेंगे ये है बिजनेस में फेलियर और सक्सेस का राज या ज़िंदगी में फेलियर और एक्सेप्ट का राज यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं दिस इज़ माय रियलिटी अगेन शुरू में आप नहीं थे दिस इज़ माय रियलिटी हर एक की रियलिटी फ़र्क है आपकी रियलिटी में 1,000 रुपये एक्सपोजिबल हैं इनकी रियलिटी में 1,00,000 रुपये डिस्पोजिबल हैं दूसरे की रियलिटी में 1 बिलियन रुपये डिस्पोजिबल हैं ठीक है उसने अपने घर $2 बिलियन का बनाया है किसने बनाया इंडिया में $2 बिलियन का अपना घर बनाया 26 फ्लोर का घर है क्या नाम है उसका नहीं भाई वो टेलीकॉम वाला नहीं रिलायंस वाला अंबानी एलेक्सा हु इज मुकेश अंबानी Human beings, organizations, rather legal people that normal is in the United Kingdom, England, the EU, Western Europe, and the G8. Try girl. Alexa, how old is Mukesh Ambani? Bill Gates is 59 years old. Bill, उसको वो नई experience ना अभी तक Mukesh Ambani. मुकेश अंबानी की डिपॉजिट
वो हिंदी ऐड कर दिया मैंने उसमें ना, अब वो हिंदी भी लिखना शुरू हो गया। कल रात को मैं खेल रहा था हिंदी बोलने से, ट्रांसलेशन सुन के हिंदी लिख रही है। सो रियलिटी हर एक की फ़र्क है शुरू से। तो आप अगेन आपने मिस आउट कर दिया और वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आपकी रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आप तो आप काम हो जाएंगे। परेशान हो के मसला हल नहीं होता है। आपने कहा परेशान हो जाना चाहिए, परेशान तो होना ही नहीं, कुछ भी हो जाए ना परेशान होना है, ना गम करना है, ना गुस्सा करना है, ये सब केमिकल रिएक्शन है। विपाशना करने को मैंने बोला है ना तुमको बार दफ़ा, जितनी दफ़ा विपाशना करते चले जाओगे उतना तुम्हारा दिमाग रिएक्शन से कम होते चले जाएगा। गूगल कर लेना, जिस भी लैंग्वेज का वर्ड है लिखोगे आ जाएगी। इसको भी वीडियो भेज देना भाई इसकी भी। सो यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, नॉट कंट्रोल बट यू विल नॉट बिकम रिएक्टिव। रिएक्ट नहीं करना, आग लग रही है बाहर, ठीक है आग लगी है, क्या करूं? पैनिक मोड में आ गए तो डिफरेंट केमिकल रिलीज होगा, डिफरेंट केमिकल रिलीज होगा, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, यहीं फौत गिर जाओगे। सीरियसली बता रहा हूँ। सिमिलरली इन लाइफ, अगर बेगम लड़ रही है, अम्मी लड़ रही हैं, ये रियलिटी है। अब मैं करूँ क्या? अब तुम जब उसमें पार्टिसिपेट करते हो, बच्चा है, बच्चे की सबसे बड़ी जो ख़राब बात होती है, बच्चे को पालने के अंदर जो हम गलतियाँ करते हैं, बच्चे के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। बच्चे को पता है कि मैं रोऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी है। अभी उसको पता है कि मैं क्या क्या गड़बड़ कर सकता हूँ। मेरा भाई इतना सा था और मुझे को रोज़ पिटवाता था, उसको पता था कि मैं क्या करूँगा कि अब्बा इसकी पिटाई करे, उसके अंदर तो ताकत थी नहीं, तो अब्बा से पिटाई करवानी है, तो क्या करें। इसी तरह हमारे मुल्क में जो खैर आई डोंट वांट टू से इट ऑन कैमरा। सो फर्स्ट रियलाइज व्हाट इज रियलिटी ऑफ योर्स करंट रियलिटी, सेकंड वेयर डू यू वांट टू गो, टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट यू हैव, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। परेशान तो किसी हाल में होना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए खुश रहना दवाई नंबर वन। तुम खुश हो? शक्ल देखो अपनी, खुश लग रहा है कि? खुश अंदर से होता है, बाहर से नहीं होना। बाहर तो तुम मुस्करा रहे हो, खुश नहीं हो, खुश अंदर से हो जाओ। जब अंदर तुम्हारा खुश हो जाएगा तो बाहर से खुद नज़र आएगा। इसकी शक्ल से गुस्सा नज़र आता, अभी थोड़ा आज अभी काम हुआ है, जाग गया या तो ठीक है। रिएक्टिव हैं हम, हमें रिएक्टिव बनाया जा रहा है। अगर मैं रिएक्टिव हूँ तो मैं बम की तरह आपको कंट्रोल कर सकता हूँ ना, मैं बटन दबाऊँगा आप रिएक्ट फट जाएँ, आप फटने को तक को तैयार हो जाएंगे, अब रिएक्टिव हो रहे हैं। रिएक्टिव नहीं होना है, कुछ भी हो जाए। बुद्धा के पास एक साहब आए, एक घंटे तक गालियाँ देते रहे, वो मुस्करा रहे, वो थक गया बेचारा कि यार मैं आपको गाली पर गाली देते चला रहा हूँ, आप कैसे ढीठ के बच्चे हैं, आपको कोई असर ही नहीं हो रहा। कह रहे हैं आप गाली दे रहे, मैं ले ही नहीं रहा आपसे, आप देते रहे, नो प्रॉब्लम, आप दे रहे हैं। फेसबुक पे आके गालियां देते ना मुझे लोग, तुम देखते हो? तो मैं कुछ कहता हूँ उनको, मैं तो लाइक दबा देता हूँ और दे दे थैंक यू, पांच दफ़ा देगा, छठी दफ़ा थक के खुद ही चले जाएगा। और अभी साबित हो गया, एक आदमी दो दूसरा लड़का है, इतनी गाली देता था, मैं बता नहीं सकता था। और मेरे अंदर से कुड़ना शुरू हो जाता था, यार मैं क्या करूँ उस बेचारे का, क्या करूँ, ब्लॉक कर दूँ, क्या करूँ। पहले मैं ब्लॉक कर देता था, अब नहीं करता। उस आदमी ने कल कॉम्प्लीमेंट लिखा मेरी दीवार पर आके, वही आदमी है, वो अंदर से ठीक होना शुरू हो गया, खुद जवाब दे रहा है, मैं कुछ नहीं उससे बात ही नहीं कर रहा। ये जो 500 बंदे वाली थ्योरी है ना मेरी, ये बहुत अच्छा मेरे लिए काम कर रही है। मैं मुझे नज़र आ रहा है, तुम भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो, कि इससे लोग हल होना शुरू हो रहे हैं, इससे ठीक होना शुरू हो रहे हैं लोग, बेहतर होना, बेहतर इंसान बनना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस बढ़ रही है और उनके अंदर रियलाइजेशंस आ रही हैं। मैंने रियलाइजेशन समझाया था आपको, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। आप अगर सीखना चाहें तो
तो आप सीख जाएंगे। आप सवाल नहीं करें ना तो आप बिल्कुल भी मैं नहीं सिखा सकता। सवाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मगर सवाल नहीं करोगे ना तो अंदर जगह नहीं बनेगी अगला सामान रखने की, और हो सकता है तो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तो तुम्हें क्या ढूंढना है, ऐसे लोग ढूंढो जिनके साथ तुम जाके रो सको, टंकी खाली कर सको, सवाल कर सको। घबराओ नहीं, डरो नहीं उनसे। अगर तुम डर जाओगे, जो डर गया वो मर गया। तो उसको मेंटर कहते हैं कि मैं वहाँ जाके टैंक खाली कर सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ, मेरी बेइज्जती नहीं होगी वहाँ पे, मेरा मजाक नहीं उड़ा जाएगा मुझे। तुम्हें यही फियर हो, इंसान को क्या फियर होता है कि यार उसकी बेइज्जती कर देगा मेरे सबके सामने, मेरी शर्म वो पत्नी उतार दी। यू डोंट नोबडी वांट्स टू डू दैट। भजिया की क्या खास बात थी, जो भी जा रहा था वहाँ पे बस आओ बेटा, प्यार प्यार ले लो, बस कुछ नहीं है वहाँ, हर चीज़ का हल प्यार है। क्वेश्चन ठीक है, ज़्यादातर लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं या पढ़ाई इल्म के लिए पढ़ते हैं, इल्म के लिए पढ़ते हैं या डिग्री के लिए पढ़ते हैं। तो अब वो 500 किसी भी चीज़ के लिए आप हायर कर लेते हैं ना डिग्री देख के, बस वो किसी भी वजह से ऐड कर लें वो ठीक हो रहे हैं, उनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, क्वांटिटी में फ़र्क है। सेकंड स्टेज सेकंड काम में ये देता हूँ, अच्छा आपने 500 लोग ऐड कर लिए, अब जरा इनसे 5-5 मिनट बात तो करें। सेकंड काम भी ये देता हूँ, आप हैं कौन, अच्छा बताएं आपके फेस 500 लोगों में से इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, चिड़ी मार कितने हैं, चिड़ी बेचने वाले कितने हैं, पता तो हो कौन है, पता कैसे चलेगा, बात करेंगे पता चलेगा। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स स्टेप नंबर वन। भाई मैं अभी इनको समझा रहा था, तुमने द सीक्रेट देखी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उसने सीक्रेट ही देखी हुई। नी हाओ माँ पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, तुम्हें पता है नहीं हाओ माँ क्या होता है, उसको नहीं पता। तो नॉलेज चाहिए ना, अब तुमने किसी भी वजह से वो नॉलेज एक्वायर करी, दैट डजेंट मैटर, खुशी से थोड़ी करी थी, ज़बरदस्ती तुमने करी थी शुरू में भी। तो सब जितने भी ये सब ज़बरदस्ती वाले ही हैं ना पब्लिक, ये सब शुरू में ज़बरदस्ती की पब्लिक होती है, आहिस्ता जब समझ आने लगता है तो वो ज़बरदस्ती ख़त्म हो जाती है, वो हम शेल उतार देते हैं, खाल चेंज हो जाती है, दूसरा आदमी बन जाता है। शुरू में तो सब कचरा, रोड बनाना है, पेव करना है, टेक्स टाइम। दैट्स अनदर टॉपिक। क्वेश्चन, सीरियसली एनी क्वेश्चन, वी आर डन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई हैव 10 मोर मिनट्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। कहाँ तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो हो ही नहीं यहाँ पे, सो रहे हो तुम तो? है ना? उसका प्रॉब्लम है वो समझ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो, अल्लाह एहसान करेगा जी। क्यों पहुँचना था सही, आप चले जाए नो प्रॉब्लम। दरख्वास्त हो चुकी है क्लास कल 9 बजे शार्प, 8:50 एक्चुअली। मुझे याद नहीं है किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम, मैंने ये कहा था, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में तुम, अगर मुझे नहीं याद कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में आपको नीड वीड नहीं, आपको तो बस 5 चिड़ियाँ बेचनी है। यू नीड टू मेक श्योर यू मेक समथिंग, फर्स्ट मंथ यू विल मेक 5,000, सेकेंड मतलब आप 10th मंथ तक आप 50,000 पे आ जाएंगे, 10th to 12th मंथ। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ फिल्में बनाते जाएं, बोलते जाएं, चिल्लाते रहें, चिड़िया चिड़िया ले लो, चिड़िया ले लो, चिड़िया ले लो, सवाल करते जाएं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं अगर कोई सवाल नहीं है तो, बैठना तो बैठे। आप 100% 100% 100% 50,000 मंथ में पहुँच जाएंगे। शर्त यह है कि आप प्रसिस्टेंस, कंटिन्यूटी एंड नॉलेज एक्वायरिंग,
आज आपको मैंने बोला था कि शागिर्दी करने जाके उनसे, बस ये करते रहे 10 महीने के बाद, मैं नहीं मानता आप 50,000 रुपये नहीं कमा रहे हो, लेकिन प्रसिस्टेंस और आपके अंदर है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई रीज़न नहीं। आपका टैंक भी खाली है, आपने अपने आप एक्सेप्ट भी करते हैं, आप सीख भी जल्दी लेते हैं, यू हैव अ गिफ्टेड लाइफ, टेक एडवांटेज। अगर नहीं होता ना, मैं बुलाता नहीं आज कब, मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था आने को, मैंने किसी को नहीं कहा आने को, तो प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ योर गिफ्ट ऑफ लाइफ, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। मुझे तो वंडर करता हूँ, आप जैसे बच्चे अगर हो जाए ना, तो देर इज़ नो रीज़न फॉर यू नॉट टू बी अ बिलियनेयर इन योर केस। हाउ ओल्ड आर यू? 21? नो, बाय 40 यू विल बी बिलियनेयर इफ यू वॉक ऑन द पाथ आई विल टेल यू। If that's a big if, and if you want to be, two things, because there is a the same thing you have, but tumhara kachra andar bahut zyada hai, usko nikalna jo hai na, khudai karna bahut bahut mushkil kaam, tum kar sakte ho, tum apne mahol ko nahi badal rahe ho, tum apne mahol ko badal lo, dekho kya ho jayega। आइडियाज़ से ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आइडियाज़ नहीं आएंगे। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने इनको बताया कि मैंने आपको यहाँ इसलिए बिठाया कि मेरे अंदर मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ। आप सवाल करेंगे तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ, ये कैसे मुमकिन? तो सवाल करने में विजडम होता है। आप एक एनर्जी मुझे देते हैं, एक कोई टनल खुलता है एनर्जी का, और मेरे अंदर जवाब आना शुरू हो जाता है। ये कुछ जादू है जो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे गूगल है ना, अपनी अम्मी को बैठो आप लिखें इस तरह, जवाब आ जाएगा। एलेक्सा को पूछ रहे हैं, वो जादू लग रहा है, ये डब्बी रखी हुई बोले जा रही है, जादू लग रहा है। बट कुछ होता है, इसको समझा सकता है, लेकिन वो समझ जा सकता है जो समझता हो। हमें तो यूज़ करना है, गाड़ी है, चलते हैं, बटन दबाते हैं, स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू हो जाता है। मुझे तो नहीं समझ में आती कैसे चलती, हम बटन दबाते हैं स्टार्ट हो जाती है, बटन दबाते हैं बत्ती चल जाती है, बत्ती कैसे चलती, मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन चलता है। तो इसी तरह से ये एक मैकेनिज़्म है दुनिया का, कि जब आप सवाल करते हैं मेरे अंदर जवाब पैदा हो जाता है। मेरे अंदर वो नॉलेज है, लेकिन मेरे अंदर वो सवाल करने वाले मेरे माहौल में नहीं है। तो जब सवाल करने वाले नहीं होते तो जवाब देने वाला भी बेचारा कंगला हो जाता है। मेडिटेशन मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन, जिसको उर्दू में ध्यान देना कहते हैं। आती है करना? ठीक है, तुम बताओ कैसे करते? बैठ करके दिखाओ ना, ये हों से जबान से थोड़ी आती है। वैसे बैठो जैसे, नहीं इस वाले बैठो, हाँ वो तो भाग गया, वो नहीं है यहाँ पे, सो गया वो। ऐसे बैठो बेटा, कमर सीधी करके। चलो हम 10 मिनट कर लेते हैं। एलेक्सा, सेट टाइमर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स स्टार्टिंग नाउ। टांगी यूं कर लीजिए जैसे मस्जिद में बैठ नमाज़ में बैठते हैं, आराम से एक के ऊपर एक रख लीजिए। कंफर्टेबल नहीं है? नहीं है तो वैसे बैठ जाए, आलती मालती मार के, नो प्रॉब्लम। करना ये है कि हिलना नहीं है, ये करना है, क्योंकि आपका जिस्म आपके दिमाग के कंट्रोल में, हमने अभी पहले बात की थी, जैसे हम नशा कर लेते हैं तो जिस्म के कंट्रोल मशीन के पास चला गया, जिस्म मशीन का दिमाग का कंट्रोल जिस्म के पास चला गया, क्योंकि दिमाग टून कर दिया। राइट। सिमिलरली आपके जो सबसे बड़ा आपको चैलेंज मिलेगा कि आप 10 मिनट हिलें नहीं, आप करके देख लें, आप 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते,
आपके पास इतनी ताकत भी नहीं है 99% लोगों के पास दुनिया में कि आप 10 मिनट बगैर हिले बैठ जाएं, करके देख लें 99% लोग ऐसे। इसको करने का मकसद क्या है? एक्सरसाइज करने का क्या मकसद होता है? हाथ वेट उठाते से क्या होता है? तो मसल, तो दिमाग में भी एक समान है, इसको मसल हैं, सेल्स हैं जो रस्टेड हैं, जिनके पास आपके पास कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस के बीच में एक दीवार है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन को उर्दू में कहते हैं ध्यान देना। सुना है बचपन से बड़े होते तक, अरे ध्यान दो यार, कैसे देते हैं ध्यान? ध्यान, ध्यान देने को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, दिमाग की एक्सरसाइज, नॉट फोकस। फोकस बाय प्रोडक्ट होगा उसका। जब आपके पास कंट्रोल नहीं है जिस्म का, हिल रहा है खुद बहुत हिल रहा है, तो कंट्रोल नहीं है तो आप इसको कैसे बोलेंगे रुक जा? जब आप इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो जो रिजल्ट फोकस भी हो सकता है। असल मकसद है कंट्रोल वापस लेना। कंट्रोल नहीं है दिमाग का आपके पास, आप अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें नहीं करते, तो आपको दिमाग का कंट्रोल वापस मिलने के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो क्योंकि वो जो आप, क्योंकि आप खुद हिल रहे हैं, यानी आप तनेदार दरख्त नहीं हैं, स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि आप दूसरों की बातों को रिजेक्ट कर दें। मिसाल के तौर पर दीन के मामले में ये बहुत स्ट्रांग है, लचकदार नहीं है, लचक नहीं है, है ना? तो इस सूरत में ये एक स्ट्रांग तनेदार दरख्त है, आप इनको किसी के सामने भी बिठा दें, ये हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे, फट भी जाएंगे नो प्रॉब्लम, फाड़ भी देंगे नो प्रॉब्लम, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, हिलेंगे नहीं। तो इसी तरह से जब बिजनेस के मामले में आप रीजनिंग करने लगेंगे, आप जजमेंट करने लगेंगे कि टेक्सटाइल अच्छी नहीं है, चिड़ी अच्छी है, वॉट इज़ पैशन? पैशन इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग फ्रॉम पास्ट, कि आपको चिड़िया से कुछ मोहब्बत मिलती होगी, अफेक्शन मिलती होगी, कुछ चिड़िया होगी आपकी जिससे आपको अफेक्शन ज़्यादा मिलती होगी, इंसानों से ज़्यादा अफेक्शन चिड़िया दे देती होगी। अफेक्शन दो चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं, पेन एंड प्लेजर। आपको प्लेजर मिलता होगा चिड़ियों से किसी वजह से, तो आपकी मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई वो। जिस दिन वो चिड़िया प्लेजर देना बंद कर देगी, उस दिन आपकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, उस दिन आपका पैशन बाय बाय हो जाएगा। मुझे इश्क था टेलीकॉम से, सॉफ्टवेयर से और इन चीज़ों से, मैंने बहुत कुछ बनाया, अब मुझे नफ़रत हो गई। नफरत तो नहीं हुई है, बट आई हैव नो पैशन लेफ्ट बिकॉज इट डजंट डू एनीथिंग फॉर मी। आई फाइंड बिगर प्लेजर इन अदर थिंग्स। तो जब आपको बिगर प्लेजर मिलने लगेगा चिड़ियों के अलावा कहीं और से, तो आप उसको छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। That's fine. Till then, you stay focused on one path. Till then, मिसाल के तौर पे एक खातून मिल गई आपको, आप 21 साल के हैं ना, लड़कियां आपके कॉलेज में पढ़ती हैं, आपको एक खातून से मोहब्बत हो गई, आपने उनसे शादी कर ली, दो साल गुजर गए, ठीक है? अब दो साल गुजरे, आपको एक और खातून मिल गई, आपको उस खातून से ज़्यादा मोहब्बत प्लेजर इधर से मिलने लगा, तो क्या करोगे तुम? दूसरी शादी कर लोगे? वो बेचारी का पहली का क्या होगा? सो दिस इज़ वेयर यू बैलेंस, कि मैंने करना क्या है, क्या मैंने दूसरी शादी कर लेनी है या पहली के साथ कुछ करना है? तो दैट इज़ लाइक बिजनेस। सो यू हैव टू मेक, यू हैव, इट्स अ कमिटमेंट, कि यू डिड अ कमिटमेंट विद द बिजनेस, यू विल स्टे विद हर नो मैटर व्हाट हैपेंस टिल इट बिकम्स एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल, देन यू विल से सॉरी बॉस, मेरी नहीं बन रही तेरी, अस्सलाम वालेकुम, दूसरे के साथ चले जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट एंड ऑफ द डे अबाउट यू, अबाउट योर प्लेजर, आपको कितना लुत्फ आता है एक काम करने में। और एक्सट्रीमली अगर आप लुत्फ में इंडल्ज हो गए तो भी गलत है। बैलेंस, अदल, सीधा रास्ता, कॉन्स्टेंटली उस पर ढूंढते रहें और चलते रहें, ढूंढते रहें, कॉन्स्टेंटली ढूंढना। ये भी नहीं है कि यहाँ पहुँच गए तो यही सीधा था, हो सकता है गलत भटक के वो पहुँच गए, गलत जगह पहुँच गए। अगर बहुत पैसा आ गया तो भी मतलब ये कुछ सक्सेस नहीं है। आप अंदर से अगर सेटिस्फाइड, अंदर बैलेंस, कंपस लगा हुआ है, अगर वो कंपस से पूछें हाँ भाई सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, वो कह रहा है सही हो सही हो, वो कह रहा है गलत हो गलत है, जो कुछ है वो अच्छा है, ख़राब नहीं है। रेजिस्टेंस यही होती है कि नहीं ये तो बीवी ख़राब है, यहाँ इसमें ख़राबी है, आप सब ब्लेम
उसको दे रहे हैं. डज इट मेक सेंस? सो यू फाउंड अ पाथ, स्टे विद इट टिल यू फाइंड अ फिनोमिनल पाथ समवेयर एल्स. फिनोमिनल, जो कि आपकी, क्योंकि आपकी एफर्ट होगी ना, आप अगले एक दो साल मेहनत करेंगे चिड़ी बनाने, चिड़ी के बिजनेस में आपको प्लेजर भी मिल रहा है. यही बिजनेस का रूल हर बिजनेस में अप्लाई होगा. टेक्सटाइल कर लो, जो तुम्हारा दिल करे कर लो, लेकिन अप्लाई रूल्स सेम, 80% सेम होंगे, 20% फ़र्क होंगे. उस सब में जो क्या चीज़ चाहिए, तुम्हारी परसिस्टेंस चाहिए, तुम्हारे कमिटमेंट चाहिए, तुम्हारा झूठ सच चाहिए, तुम्हारी कमिटमेंट चाहिए, ये सब जगह यही चीज़ चाहिए होती. अगर तुम 9 बजे बोल के 9 बजे आ रहे हो तो हर बिज़नेस में यही चाहिए. अगर तुम 8 बजे बोल के 8 बजे नहीं आ रहे हो तो सब जगह तुम फेल हो जाओगे. तो कुछ भी कर लो, ये तो वो बेसिक इंसान की चार पाँच चीज़ें. नॉलेज तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो अलेक्सा के आने के बाद और गूगल नाउ के आने के बाद, तो गूगल के बाद आप नॉलेज तो 5 मिनट में एक्वायर हो जाती है. आप जिस नॉलेज की बात कर रहे हैं, जिस बिज़नेस के अंदर पाकिस्तान में सक्सेस होगी, वो बिज़नेसेस हैं जहाँ पे गूगल पे डेटा नहीं है, वो जो कि इन्वेंट नहीं हुए हैं, वहाँ इनोवेशन की जा सकती है. तो क्योंकि चिड़िया बेचने वाले पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन जाके उनसे इंस्पायर हों, इनसे नॉलेज, मार्केट की डेटा, लोकल नॉलेज लें, उसको मिक्स करें, एक नया मसाला बनाएं, बाज़ार में ले आएँ, चल जाएंगे आप. लेकिन अगर आपने सिर्फ अमेरिका की नॉलेज ले ली तो भी आप फेल हो जाएंगे, जो कि हम कर रहे हैं. हम सिर्फ अमेरिका का प्रोसेस लेते हैं, फलाने की किताब पढ़ ली, हमें सब पता है. अब भाई तुम्हें कुछ नहीं पता इस मार्केट के बारे में, मार्केट की रियलिटी चेक करी और उसके बाद जब आपने मिक्स करा तब फ़ायदा होगा. मुझे एक दोस्त बता रहे थे अभी कहानी, IBM में कॉल सेंटर सेट किया या बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क सेंड किया इंडिया में. इंडिया ने उनको कोई कमिटमेंट दे दी टाइम की कि जी मैं आपको इस तारीख तक डिलीवरी दे दूँगा. डिलीवरी नहीं दे सके वो, आप इंडिया आ गए साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब को उसने बहुत झाड़ा, उन्होंने लोकल को बहुत झाड़ा. खैर अब वो होटल में बैठे हुए, उन्होंने कहा साहब 8 बजे हमें दफ्तर पहुँचना होता है, 9 बजे आप कहें तो मैं सुबह गाड़ी भेज दूँ, रोड के उस तरफ दफ्तर है, यानी तारिक रोड क्रॉस करना है खाली. तो उन्होंने कहा नहीं, पागल हो गए, ये सामने तो रोड है, मैं क्रॉस कर लूँगा, या एमएजेना रोड समझ लो, नॉट तारिक रोड, ठीक है, रश वाला रोड है, या खालिद या शार फैसल समझ लो. सुबह का टाइम है, रश का टाइम. मैंने कहा पागल हो गए, रोड तो सामने है. अब वो रोड के उस पार खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ रहे, नज़र आ रहे हैं दूसरे को, वो हंस रहे हैं कि ना आने दो बेटा इसको. वो रोड नहीं क्रॉस कर सका क्योंकि उसको इंडिया की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी कि भाई इंडिया में रोड क्रॉस गाड़ी में करना आसान है, पैदल करना मुश्किल है. इसी तरह सारे फैसल पे गाड़ी में से रोड क्रॉस करना आसान है, वरना मतलब एक आदमी ने ज़िंदगी में कभी रोड ही नहीं क्रॉस किया तो कैसे रोड क्रॉस करेगा, तो यूँ बोलता रहेगा बेचारा, परेशान हो जाएगा. सो ही कुडंट मूव फॉर 15 to 30 मिनट्स. फिर उन्होंने आखिर में गाड़ी भेजी तो रोड क्रॉस करके आया. सो दीज आर ग्राउंड रियलिटीज जो आपको यहाँ पर लोगों को मिलेंगी. यानी यू हैव टू मेक अ मिक्सचर ऑफ दैट बिजनेस एंड कॉन्स्टेंटली इनोवेट. आप मैकडॉनल्ड को देखते हैं, हर 3 महीने बाद एक नया कोई डील लगा देता है, ये एक्सपेरिमेंट जो बहुत चलने लगता है उसको वो परमानेंट मेन्यू का हिस्सा बना देते हैं. दिस इज़ कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू, लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंट. गांधी अपनी किताब का नाम लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ, ये उनकी बायोग्राफी है. सो ये सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है सिवाय, ज़िंदगी क्या है, खेल तमाशा है, कुरान भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा. इस खेल तमाशे में खेलते रहो, तमाशा करते रहो, सक्सेसफुल हो जाओ बस. तो मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि ये आज तक की मेरी नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है कि सही है. अभी भी हमने मेडिटेशन नहीं करी, फिर हम 5 मिनट की दोबारा कर लेते हैं, दोबारा ज़्यादा हो गए. अगर इस मोड में बैठ सके तो अच्छा है, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं. कमर टेक नहीं लगानी. Alexa, set timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. आंखें बंद कर लें, चश्मा उतार दें, सांस जो निकल रही है उसको देखना शुरू कर दें. कोशिश ये करें कि कोई मसल हिले नहीं, आंखें ना हिलें, आंखें खोले नहीं, हाथ नहीं हिलाएं, खुजाएं नहीं,
रिएक्ट नहीं करें किसी भी फीलिंग के ऊपर, बस इसको करते रहें 10 मिनट के लिए, सांस को ऑब्जर्व करते रहें। कोई थॉट आ रही है तो ख्यालों में ना हो जाएं, वापस ले आएं, बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह कर लें कि भी नोटिस करें कि हवा पे रहना है फोकस। कोई थॉट आ रही है, लेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको जानने दें। अरे भाई आप भी कर लें प्लीज़।